सही बात। अंकल हाली आपके सिर्फ बेटी नहीं बेटा भी है। बीवियां घर का सामान मंगवाने के लिए ऑफिस में शौहरों को फोन करती हैं, मगर आलिया सारा सामान जाकर खुद देकर आ जाती। सही बात भाई, हमारी भी जान बाहर जाने से जब छूटी, जब माशाल्लाह आलिया बड़ी हो गई, और वैसे भी शादी के 10-15 साल तक मैं इनको ही धनिया आलू प्याज ये सब ला के देता रहा हूँ। ये तो हमेशा से धनिया पुदीने की पहचान पे कंफ्यूज ही रहे। बाकी आलिया हमेशा बाप का सहारा बनी रही, उसके होते हुए हमें कभी बेटे की कमी महसूस ही नहीं। बिल्कुल, सहारा अब भी है, बस एक कॉल आती है आप लोगों की, बेचैन हो जाती है जाने के लिए। मोहब्बत है उसकी। अरे भाई ये आलिया बेटा कहाँ है? अरे वो किचन में है, जबरिया गई है बुलाने। अच्छा अच्छा भाई, मेरी जिंदगी तो जन्नत बना दी आलिया। गर्मी कितनी हो रही है, इस वजह से मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देती हूँ। वैसे तुमने अच्छा किया कि अम्मी अब्बू को ले आई। हाँ ये तो है, गर्मी तो बहुत है। वैसे बाजी आपको पता है घर में सब आपको बहुत याद करते हैं, हर वक्त आपकी बातें कर रहे होते हैं। तुम समझाया करो ना अम्मी अब्बू को, अभी तो मेरी शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ। शैतान कॉलिंग, ये शैतान की कॉल आई, किसका नंबर सेव किया हुआ शैतान के नाम? आराम से बाजी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? ये किसका फोन था? कुछ नहीं, वो इतनी रॉन्ग कॉल्स आती है ना, तो इसलिए मैंने नंबर शैतान के नाम से सेव कर दिया। तो आप ब्लॉक कर दें? कर दूंगी। तुम ऐसा करो, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, मैं लेके जाती हूँ। जी सुने, आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? मुझे क्यों कोई शिकायत होने लगी भाई तुमसे? नहीं, वो मेरा मतलब था, अगर आपको कभी कुछ बुरा लगे तो आप कह दीजिएगा। अभी तक तो नहीं लगा, जब लगेगा तो बता दूंगा। और ये वाली बात खुद पर भी अप्लाई करूँ, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, बुराइयाँ सब में होती हैं, गलतियाँ भी सबसे होती हैं। आपको मुझ पे भरोसा तो है ना? मियाँ बीवी के दरमियान मजबूत रिश्ते की बुनियाद ही भरोसा है। तुमने तो मेरा एतमाद जीत कर ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। हाँ अब मैं तुम्हारा एतमाद जीतने में कितना कामयाब हो सका ये नहीं पता। मुझे आप पे खुद से ज्यादा भरोसा है। कहाँ जा रही हो? वो मैं जरा दूध बॉईल कर लूँ। अगर तुम थक गई हो तो मैं कर दूँ दूध बॉईल? अरे नहीं, मैं कर लूंगी, मैं आती हूँ। कहाँ हो तुम सुबह से? आलिया मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, इतने सारे मैसेज किए, तुमने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया यार। तुम क्यों मुझे कॉल्स कर रहे हो? बंद कर दो मुझे कॉल्स करना। शादी से पहले तो बहुत वक्त होता था तुम्हारे पास, मुझे खुद कॉल करती थी, पूरी पूरी रात मुझसे कॉल्स पे बातें करती थी। वो पहले की बात थी। मैं बेवकूफ थी जो मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन कर लिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है,
मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। देखो मुझे तड़पा कर ना तुम खुश नहीं रह सकती। शादी का वादा मुझसे किया था और किसी और से शादी कर ली, मैं तुमसे अभी भी मोहब्बत। प्लीज मजहर, अगर तुमने मुझसे मोहब्बत की होती तो रिश्ता भेजते, पर तुमने मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट किया, मेरे जज्बातों के साथ खेला। अब मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने गलती की थी जो तुमसे मोहब्बत कर ली। देखो मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा ये नंबर भी ब्लॉक कर दूं। आलिया आलिया आलिया, मैं वो वक्त नहीं भूल सकता यार। वो कितना प्यारा वक्त था जब हम साथ बाइक पे घूमते थे, व्हाट्सएप कॉल्स करते थे, वो याद है? हमारे साथ की वीडियोस और वो पिक्चर्स, मतलब उसके बारे में तो तुम खुद जानती हो ना, कितना बेहतरीन टाइम था। तुम्हें पता है जब मुझे तुम्हारी याद आती है मैं बार बार रिकॉर्डेड कॉल सुनता हूँ। देखो आलिया प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हुआ आलिया, किसका दिमाग ठीक कर रही? मैं आज वो जवेरिया की कॉल आ गई थी, ऐसे ही तंग कर रही थी। अच्छा तुम बॉयल कर ली? हाँ नहीं जी, महाराज मैं भूल गई थी, दूध तो मैंने शाम को ही बॉयल करके रख दिया था फ्रिज में। क्या हुआ आलिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी तबीयत तो ठीक है मेरी। चलो चल कर लेटो, रात बहुत हो गई। और हाँ वो सुबह उठना नहीं मेरे लिए, मैं ऑफिस में ही नाश्ता करूँ। चलो बस आ जाओ, देर हो रही है, कम ऑन क्विक। कितना प्यारा वक्त था जब हम साथ बाइक पे घूमते थे, व्हाट्सएप कॉल्स करते थे, और वो याद है हमारे साथ की वीडियोस और वो पिक्चर्स। ये तो हमारी वो यादें हैं जो मेरे पास महफूज हैं, और ये तो आपस की तस्वीर है। वो कितनी सारी तस्वीरें मेरे पास हैं, ये तो तुम कितने अच्छे तरीके से जानती हो। वैसे एक बात बताओ, अब पहले तो तुम बोलते बोलते ही नहीं थकती थी। याद है जब तुम फर्स्ट टाइम मेरी दुकान पे इजी रोड कराने के लिए आई थी, तुम्हारा बैलेंस नहीं पहुंचा था और इस वजह से तुमने कितनी लड़ाई की थी मुझसे। उसके बाद ही तो हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। देखो मज़ा, ये सब भूल जाओ, मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। यार तुम ना सही तो तुम्हारी बहन सही। जवेरिया नाम है ना उसका? आती है मेरी दुकान पे इजी लोड करवाने के लिए। देखो तुम मेरी बहन को कुछ नहीं करोगे। जो तस्वीरें मेरे पास अभी तक मोबाइल में सेव है ना, वो कल को पब्लिक भी हो सकती है, और हो सकता है कि तुम्हारे हस्बैंड तक भी पहुँच जाए। घटिया इंसान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकते हो। भाई मोबाइल चोरी हो सकता है। चोरी करने वाले ने तस्वीरें वायरल कर दी, इसमें मेरा क्या कसूर था? मज़ा प्लीज, खुदा के लिए मेरी चैट और पिक्चर्स डिलीट कर दो। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि मुझे तुम 50,000 रुपए दे दो, चलेगा? क्या 50,000? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे?
देखो तुम्हारे डेटा के लिहाज से ना ये 50,000 रुपये बहुत छोटी रकम है। तुम कल मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दो, तुम्हारा डेटा डिलीट। हेलो हेलो जवेरिया। हेलो बाजी, कैसी हैं आप? मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तुम इजी लोड कहाँ से करवाने जाती हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ वो बताओ, कहाँ से इजी लोड करवाने जाती हो? मैं इजी लोड नहीं करवाती, कार्ड लोड करवाती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, इजी लोड करवाने कहीं भी मत जाना, कभी भी। क्या हो गया आपको, सिर्फ ये कहने के लिए आपने मुझे कॉल की थी? बस जितना बोला है उस पर अमल करो। अच्छा अम्मी से बात करवाऊँ आपकी? नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ, तुम अम्मी अब्बू को सलाम कहना। बाकी के 25,000 का इंतजाम कहाँ से करूँ? पप्पो तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं, कहती हैं मेराज की बीवी खाना बहुत मजे का बनाती है। क्या बात है आलिया, कोई परेशानी? नहीं तो। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही? मेरा दिल नहीं कर रहा अभी। सब अगर कुछ और खाना है तो बाहर से ले आऊं? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। दोपहर में फोन किसका आया था आलिया? आपको कैसे पता? मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था, तुम्हारा फोन बिजी जा रहा था। मिराज, वो एक पुरानी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा। मिराज, आपके पास 25,000 रुपए होंगे? वो मेरी फ्रेंड के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके हस्बैंड की जॉब नहीं है, मैं उसकी मदद करना चाह रही थी। ओह हाँ, तुम ले लेना, बल्कि मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड ही दे दूंगा, कहीं बाहर जाना हो, शॉपिंग वगैरह करनी हो तो तुम कर लिया करो। थैंक यू, लेकिन आपको तो पता है कि मैं शॉपिंग पे कहाँ जाती हूँ, बस आपके साथ ही जाना होता है, और अगर घर का कुछ ज़रूरी सामान चाहिए होता है तो मार्केट से ले आती हूँ। तुम्हें पता है आलिया, सबसे अलग बीवी अपने शौहरों के पैसों पर खूब शॉपिंग करती हैं, होटलिंग की जिद करती, मगर तुम कोई फरमाइश ही नहीं करती। आप बिना कहे मेरी सारी फरमाइशें जो पूरी कर देते हैं। कैसी हो आलिया? तुम जाओ यहाँ से। सच्चा आशिक हो तुम्हारा? फिलहाल महल्ला ढूंढ लिया है, बहुत जल्द तुम्हारा घर भी ढूंढ लूंगा। देखो मेरे ससुराल वाले यहीं रहते, मैं नहीं चाहती कोई मुझे तुम्हारे साथ देखे। कमाल यार, पहले तो तुम बहुत तंग थी यार, बड़ी दबंग स्टाइल की, अब क्या हो गया, इतना डर रही हो शोर जाले में? क्या तुम यहाँ से जाते हो कि मैं शोर मचाऊं? मचाओ। भाई साहब, वो आदमी मुझे छेड़ रहा है। Thank you.
पैसे देने का शुक्रिया। दुकान का एडवांस दे दिया तुम्हारे इलाके में इजी रोड की दुकान खोली है। पहले सोचा था कि पैसे देने के बाद तुम्हारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा, मगर तुम्हें दिखने के बाद ना अब इरादा बदल गया है। अब मैंने फैसला किया है कि जब तक तुम मिलोगी नहीं, मैं तुम्हारा सारा डेटा रखूंगा अपने पास। कम ऑन यार, मुझे डरा मत करो, बस मेरी बात मान लो ना, वरना सोच लो तुम्हारी तस्वीरें ना तुम्हारे शोर और सारे मीडिया में फैला दूंगा। महाराज, आपने तो मुझे डरा ही दिया। भाई तुम्हें तो कहा था कि घबराहट हो रही है, जल्दी आ जाओ। हम आ गए। तुम्हें पौधे बहुत पसंद है ना, सोचा लेता चला। आपको कैसे पता? भाई साली साहिबा ने बताया था। ओ, अच्छा, घर में भी बहुत सारे पौधे, मुझे अच्छे लगते हैं पौधे। तुमने तो इस घर को बगैर फूल पौधों के ही गुलिस्तान बना दिया। चलो बस अब तैयार हो जाओ, कहीं चलते हैं बाहर। लेकिन कहाँ? कहीं भी, अब ऑफिस से जल्दी घर आया हूँ तो सब फायदा ही उठा लो। अच्छा ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। इसको कहाँ रखूँ? ये परफेक्ट जगह। ₹300 दे दें। ये लीजिए आपकी जो है वो चॉकलेट, ये मैंगो। मुझे पिस्ता बहुत पसंद है आइसक्रीम। आपको चॉकलेट पसंद है? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, अब अपनी ही बीवी के साथ फ्लर्ट करेंगे? जाहिर है, अपनी वाइफ के साथ करूंगा, फ्लर्ट करने के लिए कोई दूसरी जानी पड़ेगी।
थैंक यू महाराज इतने सारे पौधे दिलाने के लिए। तुमसे बढ़कर तो नहीं। रुको मैं दरवाजा खोल। मैं गमले निकालता हूँ गाड़ी। एक्सक्यूज मी। यस। दरअसल बात ये, मैं यहाँ पे एक हाउस ढूंढ रहा हूँ। ये B35 किस तरफ पड़ेगा, थोड़ा आप मुझे गाइड कर देंगे? ये गली नंबर A है, B बराबर वाली। आप शायद गलत गली में आ। हाँ सॉरी A ही था, माय मिस्टेक। अच्छा दरअसल बात ये, मेरे पास सेलफोन में क्रेडिट खत्म हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके सेलफोन से कॉल कर लूँ। एक्चुअली बात ये कि मैं जगह पे तो सही पहुंच गया था, लेकिन हाउस नंबर में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ किसके घर जाना है? किसके घर जाना है उसका नंबर आओ। तो कोई नाम तो होगा? नाम नहीं पता। क्या हुआ? ठीक तो? कुछ नहीं, वो कॉकरोच था। अगर मजहर ने महराज को सब बता दिया तो क्या होगा? अगर उसने मेरी चैट और तस्वीरों को सेंड कर दी तो? बाजी ये तो बहुत प्यारा है, ये कब लाई आप? ये है ना, महराज लाए थे मेरे लिए। लाए मुझे दे दे मोबाइल। नहीं बस हो गया। क्या बात है, आप काफी दिनों से बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं कोई बात नहीं है। तुम ये बताओ क्या खाना खाओगी? नहीं पहले बताएं, महराज भाई आपका ख्याल तो रखते हैं ना, कहीं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा तो बताएं फिर क्या बात है, आप इतनी चुप चुप हैं, आप ऐसे तो नहीं थी। अरे क्या हुआ है बाजी, क्या हुआ है बोले ना। जवेरिया तुम्हें वो मजहर याद है? हाँ वही ना जिसे आप पसंद करती थी और वो आपसे फ्लर्ट कर रहा था। हाँ वही, उसने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है। धमकियाँ देता है, कहता है कि मेरी तस्वीरें और चैट्स उसके पास हैं। अच्छा क्या चाहता है वो? पीछे पड़ा है मेरे, कहता है एक बार मिलो। मैंने इनकार किया तो पैसे मांगने लगा। तो आपने कहीं पैसे दिए तो नहीं? दे चुकी हूँ 50,000। आपको बताना चाहिए था बाजी, मैं अभी अब्बू को बताती हूँ, उसका दिमाग दुरुस्त कर। नहीं तुम्हें मेरी कसम है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं अम्मी अब्बू को दुख नहीं देना चाहती और ना ही मैं राज की नजरों में गिरना चाहती हूँ, इसीलिए खुद इस मसले को हल करने में लगी हूँ। मगर कैसे करेंगी आप? तुम्हें पता है उसने इसी इलाके में इजी लोड की शॉप खोल ली है। उसे आपका घर तो नहीं पता ना? पता ही होगा, घर तक भी पहुंच सकता है वो। अच्छा वो जो उस दिन शैतान के नाम से कॉल आ रही थी, कहीं वो इसी की कॉल तो नहीं थी? हाँ पहले भी उसके बहुत नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ, पर वो अलग अलग नंबर से कॉल करता है। मैंने अपना नंबर बदलना चाहा तो मुझे धमकी दी कि मेरी तस्वीरें वायरल कर देगा। उसी की कॉल है। लाए मुझे दे मैं बात करती हूँ। नहीं तुम बात नहीं करोगी। दे तो मुझे मैं बात करती हूँ। नहीं लाए जी मुझे दे। हेलो कौन? मैं जो भी बात कर रही हूँ, अगर तुमने आइंदा या दोबारा कॉल की ना तो मैं तुम्हारा नंबर FIA में दे दूंगी। भाई इतना गुस्सा क्या कहा उसने? कुछ नहीं आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाए। ला मुझे दिखाओ।
देखो मेरी बात सुनो, कल तक तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, मजीद 50,000 का इंतजाम कर लो, या फिर मुझसे मुलाकात कर लो, और या फिर अपनी बहन से दोस्ती करा दो। कौन मैसेज आया? बस एक बात बताऊं, तुम्हारी बहन की आवाज मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। पाजी, आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगी? हो जाएगा इंतजाम, कुछ ना कुछ ढूंढ ही रही हूँ। और क्या गारंटी है इस बार भी वो पैसे लेने के बाद आपकी सारी पिक्चर्स डिलीट कर देगा? उसने पहले भी तो यही कहा था। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उसको पसंद किया था। जो होना था वो तो हो गया, फिर आप पीछे भी तो खुद हट गई थी ना? हाँ, क्योंकि मुझे उसकी असलियत पता लग गई थी कि वो सिर्फ एक खुश शक्ल इंसान है, कोई और क्वालिटी नहीं उसके अंदर, एक नंबर का बद किरदार और बद जबान इंसान है। अच्छा, वैसे आप एक बात बताएं, क्या उसके पास आपकी ऐसी ऐसी पिक्चर्स तो नहीं है? हरगिज नहीं, मेरी उससे दोस्ती ही कितने टाइम रही है, सिर्फ 4-5 माह। जैसे ही मुझे उसकी असलियत का अंदाजा हुआ था, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। अलग अलग नंबर से मैसेजेस करता है, पता है मुझे डर लग रहा है अगर उसने तस्वीरें लीक कर दी, महराज क्या सोचेंगे मेरे बारे में? जवेरिया, अगर महराज ने मुझे छोड़ दिया तो? बाजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, बस आपको एक काम करना होगा, उससे पक्की गारंटी लेनी होगी कि वो इस बार पैसे लेने के बाद आपकी सारी पिक्चर डिलीट कर देगा और मैसेजेस भी। हाँ, ठीक कह रही हूँ, मैं उसे अभी मैसेज करती हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे इस बात की गारंटी देनी होगी कि इसके बाद तुम मुझे और मेरे घर वालों को कभी परेशान नहीं करोगे, और तुम्हारे पास मेरा जितना डाटा है वो डिलीट कर दोगे। चवेरिया, ये डायमंड रिंग है, इसके 50,000 मिल जाएंगे ना? बाजी, आप पागल हो गई हैं क्या? ये रिंग तो आपको महराज भाई ने आपके मुंह दिखाई पे दी थी। चवेरिया, महराज ने मुझे बहुत जेवर दिया है, उन्हें इस रिंग के बारे में नहीं पता लगेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो कहती हूँ अप्पू को बता देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, बस प्लीज प्लीज तुम मेरा साथ दे दो, प्लीज। जवेरिया को भी रोक लेती, खाना खा के चली जाती। मैंने उसे कहा था, पर उसके पास ट्यूशन के बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो इस वजह से वो उनको छुट्टी नहीं दे सकी। नेक्स्ट टाइम आए तो उसे रोक लिया करो, उसका भी दिल लग जाता। जी रहने दें, ना उठाएं, एवी रॉन्ग कॉल है तो ब्लॉक करो। जी, कर दूंगी।
तुम्हारे फोन की लाइट दोबारा जल रही है, दिखाओ मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर। नहीं नहीं ऐसे ही ऑन हुई है, आप छोड़े ना, क्यों परेशान हुए, ये बताएं ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? अच्छा था। खाने में क्या बनाऊं? जो तुम्हें पसंद है बना लो। अच्छा ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है भाई? अरे क्या हो गया भाई? हाथ उठाओ, मेरी बात तो सुनो। तुमने पैसे नहीं भिजवाए तो मैंने सोचा मैं खुद लेने आ जाता हूँ। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, तुम जा यहाँ से। अरे एक मिनट, क्या मजहर, प्लीज जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। अच्छा ना, अच्छा मेरी बात, अपनी बहन का नंबर दो। आ जाओ यहाँ से। एक मिनट, एक मिनट। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आलिया, तुम झूठ बोलती रही मुझसे, बातें छुपाती रही। नाराज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी शादी से पहले। बस कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सब चीज मुझे मालूम हो चुकी। नाराज मैं डर गई थी कि आप मुझे छोड़ ना दें। कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया आलिया, मेरे अंधे भरोसे का फायदा उठाया। महाराज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसे बुलाओ, मैं आज ही फैसला करूंगा। नहीं महाराज प्लीज, प्लीज ऐसा कुछ मत करें। मैंने कहा बुलाओ उसको। प्लीज प्लीज महाराज। क्या दिन हुआ करते थे ना, साथ घूमना साथ फिरना, मैं तो कभी नहीं भूल सकता। तुम भूल सकती हो? कभी नहीं। बैठो 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 बैठो, रिलैक्स हो जाओ, लड़ूंगा नहीं तुमसे। अब इत्मीनान से बताओ, कब से चल रहा है ये सब कुछ, क्या चाहते हो तुम आलिया से? तुम सब जानते हो, मेरे मुंह से सुनना बर्दाश्त कर लोगे? मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम में हिम्मत है? सोच लो, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। सुन रहा हूं, बोलो। देखो आलिया पहले ना मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरे साथ फोन पे बात करना, मेरे साथ घूमना, तस्वीरें लेना, सब कुछ है मेरे। फिर ये पीछे भी तो अट गई थी, गलती की थी इसने तुमसे मोहब्बत करके, मेरी जिंदगी में आग लगा दी और तुमसे शादी कर दी।
तो अब तुम अपने तड़पने का बदला ले रहे हो उससे। हाँ, जो कुछ भी तुम चाहते हो वो तो नहीं हो सकता। एक बात तो बताओ, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? पहले तुम्हारी बीवी मुझसे मोहब्बत करती थी, अब तुमसे प्यार करती है। कभी शक नहीं हुआ ऐसे किरदार पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसका माजी थे और मैं इसका हाल, और इंसान माजी में कैसा है ये जरूरी। माजी में तो सबसे गलतियां होती हैं, मगर यहां पर आलिया के आला किरदार का गवाह मैं। सलाम है तुम्हारी गैरत। गैरत सिर्फ औरत से मशरूत नहीं है, मर्द भी इसमें बराबर के शरीक है। अगर मर्द कुछ भी कर ले, गैरत की भेंट औरत ही चढ़ती है। ठीक है, मैं आलिया और अपनी तमाम तस्वीरें वायरल कर देता हूँ और उसका नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। फिर देखता हूँ ना कि तुम्हारी मर्दानगी क्या कहती है। अगर तुम्हारी तसल्ली इसी में, तो कर दो वायरल। सोच लो, मैं सच में वायरल कर दूंगा। तुम्हारी बीवी ने महीने में किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, जमाना थू थू करेगा इस पर। कौन क्या कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो कहना है कहने, मैं आऊं जवाब देने के लिए, मुझे कोई एतराज नहीं। और जो कुछ डेटा तुम्हारे पास मौजूद है कर दो यार। वो तो मैं करके ही रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए, इसमें मुलजिम का तमाम तर बयान रिकॉर्ड हो चुका है, अदालत में सबूत के तौर पर आपके काम आएगा। मासूम और शरीफ घर की लड़कियों को ब्लैकमेल करने का अंजाम यही होता है। ले जाइए ना इंस्पेक्टर साहब। ये आपने बहुत अच्छा किया मेरा साहब, लड़कियों को भी चाहिए कि वो ऐसी बातें छुपाए नहीं, अपने वालिदैन, शौहर या फिर सरपरस्त को बताएं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके और मुआशरे के अंदर ऐसे बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। चल बेटा, तेरा जुर्म अब साबित हो गया है और बाकी की खबर हम तुझसे दाने छलकर लेंगे। ले चलो इसे। माफ कर दे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। कोई भी शख्स तुम्हारी तरफ गलत नजर से नहीं देख सकता। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अब मुस्कुराओ। गुड गर्ल।